मगर भाई साहब जो कमी रहेगी वो रहेगी इसके कंट्रोल्स की। इसमें भाई कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं पीछे एसी वेंट्स के लिए, केवल वेंट्स दे दिए गए हैं। मुझे पूरी प्रीमियमनेस की फील आने लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब की एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज हम आए हैं ए ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा के शोरूम में, एंड आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो 28 लाख में कौन सी गाड़ी लें, स्कॉर्पियो एन लें या फिर XUV700 लें। भाई साहब इतना ज़्यादा इसमें मिथ बन चुका है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो आज मैं सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर रहा हूँ इस कंपैरिजन वीडियो को लाके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक रिजिड टफ SUV लेनी चाहिए ऑफ रोडिंग वाली, या फिर आप ऑल व्हील ड्राइव XUV700 भी ले सकते हैं। तो कंपैरिजन में मैं बेसिकली कवर करने वाला हूं इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, डायमेंशंस क्या कार के रहने वाले हैं, क्या सीटिंग कैपेसिटी रहती है, म्यूज़िक सिस्टम कैसा है, अंदर का इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा रहने वाला है, एंड इसकी प्राइसिंग, एंड जो इंजन ऑप्शंस आते हैं, एंड जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ दोनों कार की, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, एंड वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर रहने वाली है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका एक्सटीरियर का कंपैरिजन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो आपको हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है, इसमें काफ़ी बड़ी ब्रॉड DRLs मिलती हैं। भाई इतनी बड़ी DRLs किसी भी SUV सेगमेंट में नहीं आती है अभी तक के लिए। बाकी इसका हेडलाइट का सेटअप आप देख सकते हैं फुली LEDs में प्रोवाइड करा गया है। वहीं नीचे भी आप देख सकते हैं तो इसमें आपको LED में ही फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। तो वहीं अगर बात करें स्कॉर्पियो N की हेडलाइट्स के सेटअप की, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर में लो बीम एंड हाई बीम के लिए हाइड्रोजन बेस प्रोवाइड करा गया है। नीचे आपको इसी में इंडिकेटर की प्लेसमेंट एंड DRLs आपको कुछ स्कॉर्पियो की स्टिंग के अकॉर्डिंग दिखेंगी। यहाँ पे भी आपको फॉग लैंप प्रोवाइड करा गया जो कि वाइड लाइट्स में आता है। तो वहीं अगर बात करूँ मैं इसे कुछ फ्रंट प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मैसिव बड़ी सी ग्रिल इसमें मिल जाती है, जिसमें क्रोम का इंसर्ट्स करा गया है, बीच में महिंद्रा का लोगो, एंड 360 व्यू डिग्री के लिए भी आपको कैमरा इसमें प्रोवाइड करा गया है। नीचे आपको बम्पर मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर्स में आता है, एडिशनल आप इसको लगवा सकते हैं। सामने आपको सामने भी सेंसर्स दिए गए हैं, सेम ऐसा ही सेटअप आपको महिंद्रा XUV700 में भी देखने को मिलेगा। नीचे आपको मिल जाती है इसमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, एंड वहीं 360 डिग्री का कैमरा भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है, एंड सेंसर्स भी आपको सामने मिल जाते हैं। जो इसकी ग्रिल है वो मुझे थोड़ी प्रीमियम लगती है देखने में, इसमें सिल्वर इंसर्ट के साथ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का भी यूज़ करा गया है। वहीं अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी बोनेट की हाइट देखिए और स्कॉर्पियो N की हाइट देखिए, भाई साहब ये थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर और थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है इसके कंपैरिजन में। तो एक प्रॉपर SUV वाला फील चाहते हैं तो आप स्कॉर्पियो N परचेज कर सकते हैं, प्रीमियम चाहते हैं तो XUV700। और आगे बात करते हैं, अगर साइड प्रोफाइल की आप लुक देख लीजिए तो भाई प्रीमियमनेस में ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है स्कॉर्पियो N से। अगर आप इसका लुक देख रहे हैं कितना बड़ी इसमें ओवरव्यू की प्लेसमेंट है, प्लस यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट्स, प्लस जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भाई सबसे यूनिक हैं। इसमें आपको डोर हैंडल्स जो हैं भाई SUV में हमेशा ही अलग ही आए हैं, तो इसमें आप प्रेस करेंगे एंड ऐसे आप डोर को अनलॉक कर सकते हैं। वहीं अगर स्कॉर्पियो N की बात करें तो उसकी आप साइड देख लीजिए कितनी बढ़िया मस्कुलर लगती है, ये अपने सेगमेंट में मस्कुलर लगती है, एंड XUV700 अपने सेगमेंट में प्रीमियम लगती है। तो मस्कुलर लुक्स आप देख रहे हैं कार के, बड़ा सा ओवरव्यू इसमें प्रोवाइड करा गया है, एंड जो इसका डोर हैंडल है वो आपको सिंपल ही मिलता है पुश एंड पुल वाला, इसमें आपको क्रोम की लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। वहीं नीचे भी आपको इसमें ब्लैक कलर की क्लैडिंग एंड सेम क्लैडिंग आपको भी इसमें भी मिल जाती है। हाँ, जो डिफरेंसेस आते हैं वो डिफरेंसेस आते हैं इसके टायर सेक्शन में। जब आप इसका ऑल व्हील ड्राइव परचेस करेंगे टॉप एंड वेरिएंट, तो इसमें आपको 235/60 R18 का अलॉय व्हील्स मिलेगा, एंड वहीं अगर आप इसका परचेस करते हैं 4x4 4x4 वाला, तो इसमें आपको जो स्टील अलॉय व्हील्स मिलता है वो 17 इंच का मिलता है, मगर इसका टायर सेक्शन बढ़ जाता है, 245/60 का टायर सेक्शन मिलता है इसमें। वहीं अगर इसका आप नॉर्मल 4x4 ना लेके केवल 2-व्हील ड्राइव लेते हैं, तो उसमें आपको सेम टायर सेक्शन मिलेगा जितना आपको XUV700 में मिलता था उतना ही मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बैक प्रोफाइल की क्यों इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस में रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें स्पॉइलर मिल जाएगा, शार्फी एंटीना, वाइपर वॉशर डिफॉगर प्रोवाइड करा गया है, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, एंड जो इसकी डिग्गी की ओपनिंग है बूट ओपनिंग वो आपको यहाँ से ऐसे करनी पड़ती है, तो कुछ इस प्रकार से इसका बूट ये ओपन होता है। वहीं अगर बात करूँ मैं इसके स्कॉर्पियो N की,
तो स्कॉर्पियो एन का आप बैक प्रोफाइल देख सकते हैं कितनी मस्कुलर कितनी बड़ी लगती है भाई साहब देखने में, पूरा डी सेगमेंट को कड़ी टक्कर ये दे रही है। आप इसका कंपैरिजन फॉर्च्यूनर से भी कर सकते हैं। मैं टेल लाइट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ी निराशा होती है क्योंकि ये इतनी सी जलती है भाई, पूरा अगर ये पूरा जलता तो काफ़ी सही है लुक, इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा रहता। बाकी टेल लाइट्स काफ़ी प्यारी हैं, जो इसका ओवरऑल डिज़ाइन है बैक का वो काफ़ी ही शानदार प्रोवाइड करा गया है महिंद्रा की तरफ से। एंड जो इसकी जो टेल गेट की ओपनिंग है वो कुछ इस प्रकार से होती है, तो आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग कुछ इस प्रकार से होती है, काफ़ी बड़ी लग रही है देखने में। वहीं पे अगर आप एक्सयूवी 700 देखते हैं तो उसकी कुछ इस प्रकार से ओपनिंग रहती है। दोनों का आप साइड सेगमेंट देख सकते हैं, कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। मस्कुलर तो भाई मैं तो अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे स्कॉर्पियो एन कुछ ज़्यादा ही मस्कुलर लगती है, एंड वो पूरी प्रीमियम लोडेड है, पूरी लग्जरी कार वो रहती है अपने सेगमेंट में। टेल लाइट्स आपको जो एक्सयूवी 700 के मॉडल में मिलती हैं तो वो कुछ इस प्रकार से एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं हॉरिजॉन्टल में, एंड वहीं अगर आप स्कॉर्पियो एन की देखेंगे तो ये आपको वर्टिकल शेप में मिलती हैं, एलईडीज में ये भी आती हैं। आप देख सकते हैं फुली एलईडीज में भी आपको ये ब्रॉड वर्टिकल टेल लाइट्स प्रोवाइड करी गई हैं। तो स्कॉर्पियो एन में कुछ इस तरह की फंक्शनल सिल्वर रूफ रेल्स मिलती हैं, एंड जो इसमें सनरूफ आती है वो छोटी सी एक सनरूफ आती है। बाकी अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्पोर्टी सनरूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी, एंड प्लस इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, काफ़ी बड़ी साइज़ में वो रहती है क्योंकि वो एक प्रीमियम कार है, लग्जरी सेगमेंट है, एंड ये आपका एक एसयूवी ऑफरोडिंग सेगमेंट अभी आप इसको मान सकते हैं। सो, अगर कंपेयर करूँ मैं इसमें कुछ साइज़ की तो इन दोनों के स्पेक्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बाकी मैं अगर वर्बली बताऊँ तो इसकी आप हाइट देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, एंड वहीं आप अगर स्कॉर्पियो एन की देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो कितनी बड़ी मस्कुलर ये लगती है देखने में। एंड पीछे से अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा स्लीक होकर नीचे आती है, जाकर इसका एरोडायनामिक्स अच्छे से बना रहे। वहीं अगर आप स्कॉर्पियो एन में आते हैं तो बैक साइड में आप देख भी सकते हैं कितना बढ़िया मस्कुलर इसमें लुक, शुरुआत से लेकर आखिरी तक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एंड मस्कुलर बनाया गया है। सो, ये था हमारा कुछ एक्सटीरियर का रिव्यू कंपैरिजन। अब चलते हैं इंटीरियर में एंड उसमें दिखाते हैं कैसा क्या कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है एंड क्या सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो वहीं आप देख सकते हैं इसका कुछ डोर कितना बड़ा मैसिव लगता है देखने में। अगर मैं ओपन करके अंदर से दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉफ़ी ब्राउन एंड ब्लैक यूज़ करा गया है, लेदर फिनिश भी इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ करा गया है। प्लस इसका जो ग्रैब हैंडल है वो आपको पूरा सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़, ऑल फोर पावर विंडोज के कंट्रोल्स एंड ओवरहेडिंग के भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, टूटा की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर की स्पेस। सो, जैसा कि मैंने बताया था इसमें केवल मेमोरी फंक्शन नहीं आता, बाकी डोर सेम है। बाकी क्वालिटी वाइज बात करूँ तो महिंद्रा तो भाई अब तो 5-स्टार रेटेड कार ड ही बना रहा है, ये भी 5-स्टार जल्दी ही अपने सेगमेंट में लेके आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग इसका इंटीरियर कंपैरिजन। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो सीटिंग का ऑप्शन मिलता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई भी मेमोरी फंक्शन इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया, लंबर सपोर्ट भी आपको इसमें यहीं पर ही मिल जाता है। सो, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि एक प्रॉपर एसयूवी में दिया जाता है आपके स्टेप इन करने के लिए। नीचे आपको यहाँ पर महिंद्रा की इसका प्लेट स्कॉर्पियो एन की देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं अगर और बात करें तो इसकी स्टीयरिंग व्हील है ये सेम आपको एक्सयूवी 700 में भी सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर और मेजर चेंजेस की बात करूँ तो जो इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं, जो इसका डैशबोर्ड है वो एसयूवी वाला फील देता है, एंड जो एक्सयूवी 700 है वो उसमें थोड़ा प्रीमियम लगता है, लग्जरी लगता है। तो इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो फुली डिजिटल में मिलता है, प्लस बीच में एक एमआईडी स्क्रीन भी आपको मिल जाती है जिसमें आप ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड जैसे कई भी फीचर्स इसमें देख सकते हैं। प्लस इसमें भी आपको ड्राइव मोड मिलता है, उसमें भी ड्राइव मोड्स मिलता है। इसके जो एसी वेंट्स है वो आपको वर्टिकल शेप में मिलेंगे जिसमें क्रोम का यूज़ करा गया है, सिल्वर फिनिश का यूज़ करा गया है। बाकी लेदराइज पॉलिसी यहाँ भी यूज़ करी गई है एंड आपको उसमें भी मिल जाएगी एक्सयूवी 700 में भी। प्लस इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख सकते हैं, सेंटर कंसोल काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, मतलब पूरी एसयूवी वाली फील देता है। वहीं अगर बात करूँ तो इसमें भी आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रेनो एक्स का भी फीचर मिल जाता है। नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसओएस का फंक्शन, कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसिंग कंट्रोल, ड्राइव मोड्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के भी आपको यहाँ पे बटन नीचे प्रोवाइड करा गया है। दो इसमें पोर्ट मिल जाते हैं, एक यूएसबी सॉकेट का एंड एक फास्ट चार्जिंग के लिए भी सॉकेट प्रोवाइड करा गया है। तो इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग्स का सिस्टम मिलता है, सेम आपको एक्सयूवी 700 में ही मिलेगा। ओआरवीएम आपको इसमें मैनुअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर, कैबिन लैंप इसमें कुछ इस प्रकार की मिलती हैं, उसमें आपको छोटी छोटी दो दी गई हैं। बाकी सनरूफ आप देख लीजिए, इसमें आपको छोटी सी ही मिलेगी, कोई भी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ नहीं दी गई है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्पीकर की प्लेसमेंट इसमें रूफ पे ही करे गए हैं। पीछे भी स्कॉर्पियो एन में जो हैंडल्स मिलता है काफ़ी बड़ा तो है, मगर आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, स्लाइड नहीं कर सकते। बाकी अगर ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो वो आपको इसमें कूल्ड मिलता है, काफ़ी बड़ा साइज़ के इसमें प्रोवाइड करा गया है।
सीट की बात करूं तो सीट की मुझे कवरिंग भाई इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि भाई उसमें जो दी गई है XUV 7 डबल में वो वाइट कलर्स में दी गई तो उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। इसमें जो ब्राउन कलर्स है ये मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी सीट्स। बाकी अगर मैं सीटिंग पोस्चर की बात करूं तो इसमें काफ़ी सही मेरा सीटिंग पोस्चर है, सामने मुझे बोनट पूरा विजिबल है, पूरी SUV वाली फील भाई मुझे इसमें आ रही है बैठ के अच्छे से। मैं इसमें अगर मैं ऑफ रोडिंग करूं तो मैं काफ़ी अच्छे से इसमें सारी चीज़ें विजिबल रहेंगी, कॉर्नरिंग भी आराम से मैं कर सकता हूँ। सो अब चलते हैं हम लोग कुछ XUV 7 डबल के इंटीरियर में, उसका दिखाते हैं फ्रंट डैशबोर्ड कैसा रहने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सेकंड रो में दोनों की एंड दोनों का कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे आपको। सो चलते हैं अब हम लोग इसके इंटीरियर में एंड दिखाते हैं उसमें कैसा कितना कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में। जब आप इसका डोर अनलॉक करते हैं एंड जैसे आप एंट्री लेंगे तो आपको सबसे पहले ये वेलकम फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है स्कॉर्पियो एन में, तो ये इस सेगमेंट को इसलिए लग्जरी बना देता है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं डोर पे ही मेमोरी फंक्शन के ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं 1-3 पर्सन के लिए। प्लस अगर आप डोर की क्वालिटी देखते हैं तो इसमें आपको ब्लैक एंड बेज के कॉम्बिनेशन में डोर प्रोवाइड करा गया है, वहीं यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ के साथ साथ लेदर का भी यूज़ देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ डोर हैंडल पे। इसके डोर हैंडल कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जो कि एक प्रीमियम SUV में आते हैं एंड आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। नीचे आपको बॉटल होल्डर की स्पेस एंड रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड करा गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट एंड ट्विटर की भी प्लेसमेंट इसी में यहीं पे करी गई जो कि सेम आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिल जाती है। बाकी अगर सीट की बात करूं तो सीट का कंफर्ट आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी ब्रॉड ये लगती हैं, बस ये है कि ये वाइट में आती हैं, लंबा सपोर्ट आपको इसमें यहीं पर मिलेगा जैसा है कि स्कॉर्पियो एन में भी यहीं पर आपको दिया गया है। तो चलिए बैठते हैं अंदर एंड दिखाते हैं इसका कुछ डैशबोर्ड का लुक, क्या चेंजेस उसमें आपको मिलेंगे स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में। स्टार्ट करते हैं कुछ इसका इग्निशन एंड दिखाते हैं जिसमें आपको कैसा कंसोल मिलता है। तो देख सकते हैं इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको फुल्ली इसमें डिजिटल ही प्रोवाइड करा गया जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी एंड प्रीमियम इस कार को बना देता है अपने सेगमेंट में। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं सिंपल वही है आपका स्कॉर्पियो एन वाला, इधर वाइपर्स कंट्रोल्स एंड इधर हेडलाइट्स कंट्रोल सेम वैसा ही है। प्लस जो चेंजेस आपको मिलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में आपको AC वेंट्स मिले हैं, उसमें आपको वर्टिकल्स में मिलते थे, इसमें आपको बेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसमें कॉफ़ी ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया गया था। लेदर अपहोल्स्ट्री काफ़ी अच्छे से महिंद्रा ने यूज़ करी है, एड्रेनो एक्स का फीचर, ड्राइव मोड भी आपको जिप जैम जूम मिल जाते हैं। अगर वहीं नीचे बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC डुअल जोन में सेम ऐसा ही आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिलेगा। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के बटन्स, रियर व्यू कैमरा के बटन, ड्राइव मोड्स, नीचे आपको वही पावर सॉकेट भी प्रोवाइड करे गए हैं। वायरलेस चार्जिंग इसके दोनों वेरिएंट्स में आती है XUV 7 डबल में भी एंड स्कॉर्पियो एन में के टॉप मॉडल्स में ही आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिलता है मगर भाई साहब ये कूल्ड नहीं है, ये थोड़ी इसमें ड्रॉबैक रहेगा क्योंकि भाई ये एक प्रीमियम लग्जरी कार है तो इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स महिंद्रा को प्रोवाइड करना चाहिए था। बाकी IRVM इसमें भी आपको मैनुअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऊपर सनग्लास होल्डर, यहाँ पे कुछ आपको कैबिन लैंप्स मिल जाती हैं एंड यहाँ से आप इसका पैनोरामिक सनरूफ जो लार्ज जो कि बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में माना जाता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं काफ़ी आराम से। बाकी अगर सीट की कुशनिंग आप देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भाई साहब ये लगती हैं, काफ़ी अच्छे इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करा गया है। आर्मरेस्ट इसका स्लाइडेबल आता है जो कि स्कॉर्पियो एन में आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसका जो सेंटर कंसोल है वो कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम मुझे लगता है देखने में, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के यूज, सिल्वर इंसर्ट्स काफ़ी अच्छे से इसमें करे गए हैं। हम लोग चलते हैं कुछ सेकेंड रो में, दिखाते हैं इसमें कैसा कंफर्ट मिलता है एंड क्या कंपैरिजन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्कॉर्पियो एन के सेकेंड डोर को ओपन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल से ही आपको डोर लेदर फिनिश का यूज़, कॉफ़ी ब्राउन यूज़ प्लास्टिक में एंड ग्रैब हैंडल जो कि बहुत बढ़िया लगता है। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाती है। तो चलिए चढ़ता हूँ अंदर। अब भाई ये एक SUV है पूरी तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हाइट है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चढ़ के ही ऐसे बैठना पड़ेगा आपको इंटीरियर में, तो काफ़ी सही मुझे इसका इंटीरियर लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल मैं इसमें बैठा हूँ एंड यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसकी कंट्रोलिंग भी यहीं पे दी गई है, सी टाइप की भी चार्जिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। काफ़ी अच्छा मुझे इसका इंटीरियर लग रहा है। ऊपर में आपको इसमें लैंप मिल जाती है, हाइट काफ़ी सही है, ऊपर में हेडरूम एंड लेग रूम भी काफ़ी सही मुझे इसमें मिल रहा है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी डिसेंट अमाउंट का है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ ज़्यादा कुछ अलग फील हो रहा है, इसमें भी मुझे लग्जरी ही फील हो रहा है बैठ के अंदर से, काफ़ी अच्छा इंटीरियर का व्यू आ रहा है एंड सामने विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मुझे इसमें मिल रही है। तो कार में बैठ के मुझे बहुत ही अच्छा लग्जरी फील हो रहा है, कहीं से भी कुछ ऐसा कुछ मिसिंग नहीं लग रहा मुझे बैठ के। सो मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि महिंद्रा ने इसको एक ऑफ रोडर के साथ साथ एक लग्जरी कॉम्पैक्ट बना दिया है जिससे कि स्कॉर्पियो एन की सेल मेरे हिसाब से इंक्रीज होंगी क्योंकि लग्जरी भी है, ऑफ रोडिंग भी आप इससे अच्छी खासी कर सकते हैं, प्लस डी सेगमेंट की SUV आती है तो SUV वाला फील, लग्जरी ऑफ रोडिंग भाई और क्या चाहिए आपको महिंद्रा से। आपको थर्ड रो में एंट्री करनी है तो आपको यहाँ से सीट को टम्बल डाउन करना पड़ेगा,
यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं एंड थर्ड रो का आप कम्फर्ट देख लीजिए, जिसमें आपको पीछे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्लस एसी वेंट्स भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं, साथ में कप होल्डर की स्पेस भी देने को मिल जाएगी। पीछे ऊपर में स्पीकर की प्लेसमेंट भी दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ XUV700 में एंड दिखाते हैं उसमें क्या इसका सेकेंड सीट का सीटिंग पोस्चर रहने वाला है। तो यहाँ से आप डोर को अनलॉक करिए एंड इसका आप डोर देख सकते हैं। भाई इसको खोलते ही मुझे पूरी प्रीमियमनेस की फील आने लगती है। ब्लैक का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लेदर फिनिश का यूज़, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़, पावर विंडो के कंट्रोल्स, नीचे बॉटल होल्डर की स्पेस, काफ़ी कुछ इसमें पैक्ड करा गया है। स्पीकर की भी प्लेसमेंट दे दी गई है। प्लस XUV में आपको कुछ ऐसे कुशन्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बैठते हैं, दिखाते हैं इसमें कैसा कम्फर्ट आपको मिलता है। तो भाई साहब इसका जो वाइड का कॉम्बिनेशन है लेदर्स का, काफ़ी सही लगता है, काफ़ी अच्छा मुझे प्रीमियम लुक इसमें आता है। पीछे भी यहाँ पे भी सेम आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, मगर भाई साहब जो कमी रहेगी वो रहेगी इसके कंट्रोल्स की। इसमें भाई कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं पीछे एसी वेंट्स के लिए, केवल वेंट्स दे दिए गए हैं बस। तो ये कहीं ड्रॉबैक रहता है XUV700 में, जो कि आपको स्कॉर्पियो एन में भरपूर कर दिया गया है। इसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कैबिन लैंप मिल जाती है। इसके जो सॉफ्ट टच है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, प्लस ऊपर पैनोरमिक सनरूफ तो मैंने आपको दिखाई दी है, SRS के एयरबैग्स, टोटल 6 एयरबैग्स का सिस्टम आता है, तो काफ़ी सही मुझे लगा। तो चलते हैं अब इसके थर्ड रो में, दिखाते हैं वहाँ पे आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो सिंपली आपको वन लीवर पुल करना है एंड आप एंट्री आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसको टंबल डाउन करना है, यहाँ से आप इसके थर्ड रो में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उस तरफ साइड पे एसी वेंट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं थर्ड रो के लिए, मगर सेकंड रो में पता नहीं महिंद्रा ने क्यों नहीं दिया, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महिंद्रा को देने चाहिए थे या फिर नहीं देने चाहिए थे। बात करूँ मैं इसके कुछ वेरिएंट्स की, तो XUV700 में आपको 5 सीटर एंड 7 सीटर के ऑप्शन में ये कार प्रोवाइड होती है, MX सीरीज एंड AX सीरीज। AX सीरीज में आपको AX3, AX5, AX7 एंड AX7L मॉडल्स मिल जाएंगे। मैं अगर स्कॉर्पियो एन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो एन में आपको Z2, Z4, Z6, Z8 एंड Z8L वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि केवल 7 सीटर ऑप्शन में ही आपको प्रोवाइड करे गए। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ इसके इंजन ऑप्शंस की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो पेट्रोल वेरिएंट है वो प्रोड्यूस करता है 200 BHP की पावर एंड जो डीजल इंजन जो नेचुरल वाला है वो प्रोड्यूस करता है 130 BHP की पावर। एंड वहीं अगर आप इसका टर्बो लेते हैं तो उसमें आपको 172 BHP की पावर मिल जाती है। एंड XUV700 की बात करूँ तो इसमें भी आपको पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पेट्रोल इंजन जो है इसका नॉर्मल वाला वो प्रोड्यूस करता है 153 BHP की पावर एंड जिसका टर्बोचार्ज इंजन है पेट्रोल में वो प्रोड्यूस करता है 195 BHP की पावर एंड जो डीजल इंजन की बात कर लूँ तो वो 182 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देगा। तो इंजन स्पेक्स का कंपैरिजन आपने देख लिया, स्पेक्स ओवरऑल बॉडी का आपने देख लिया, एक्सटीरियर दिखा दिया, इंटीरियर दिखा दिया, भाई सब कुछ तो दिखा दिया मैंने आपको कंपेयर करके। प्राइसिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो वो आपको इसकी 17 लाख से एंड वो भी आपको 17 लाख से स्टार्ट हो जाती है, दोनों की एंडिंग प्राइस हो जाती है 28 लाख। अगर आप लेना चाहते हैं एक प्रीमियम लग्जरी SUV तो उसके लिए आप XUV700 को पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई एकदम प्रीमियम गाड़ी है, आपको पूरा प्रीमियम फील देगी। वहीं अगर आप एक ऑफ रोडिंग व्हीकल लेना चाहते हैं, आप जैसे नए नए टेरेन्स पे जाना चाहते हैं, लद्दाख करना चाहते हैं, मतलब कोई भी जैसी वैलीज कवर करना चाहते हैं, माउंटेन्स पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्कॉर्पियो एन ले सकते हैं। अगर आप एक भौकाली गाड़ी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप स्कॉर्पियो एन ले सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अलग है इसके कंपैरिजन में। इसको जब आप चलाएंगे तो फुल्ली आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग्जरीज फील होगा एंड इसमें आपको थोड़ा बहुत स्टिफनेस या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो इसके सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिफ हैं, तो थोड़ा आपको झटका या फिर इम्बैलेंस महसूस हो सकता है। ये था कुछ रिव्यू हमारा महिंद्रा XUV700 एंड स्कॉर्पियो एन को लेके। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हम जल्दी और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।